हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड मॉक टेस्ट, और किसके लिए, आप लोग का कोस्ट गार्ड जीडी के लिए। ओके, तो सिंपली हम लोग जो है इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो है दो मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है टोटल 750 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड टोटल आप लोग 30 मॉक टेस्ट इसमें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पीछे के दो मॉक टेस्ट नहीं किए तो सिंपली उन मॉक टेस्ट को आप लोग कर सकते हो। ओके, तो थर्ड मॉक टेस्ट को हम लोग जो है सिंपली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, इन एन एलिवेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी लेस व्हेन द लिफ्ट। ओके, तो देखो ये आप लोग का लिफ्ट है, आप लोग का लिफ्ट ऊपर जाएगा या लिफ्ट आप लोग का नीचे जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वेट जो आप लोग का कम प्रतीत होता है या फिर कम अपीयर होता है, देन देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, एम जी माइनस एम ए के इक्वल, तभी तो आप लोग का वेट कम होगा, एमजी में से कुछ माइनस हुआ है। ओके, जब आप लोग का लिफ्ट क्या है, नीचे आ रही होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। बट अगर आप लोग देखोगे तो इसमें ना तो ये ऑप्शन है ना ये है ना ये है, ठीक है। अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, गोस अप विद द रिटार्डेशन, अगर लिफ्ट जो ऊपर जाती है मंदन के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन के साथ जाती है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता हम लोग का, एम जी प्लस एम ए के इक्वल, ठीक है। मंदन के साथ जाएगा तो मतलब आप लोग का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गया, मतलब वेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली आप लोग का एम जी माइनस एम ए के इक्वल। इतना समझ आ गया कि नहीं? ओके, इट मींस आप लोग अगर देखोगे जो वेट आप लोग का नीचे एक्सेलरेशन के साथ आ रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो वेट नीचे था वो आप लोग का, वही वेट क्या हो रहा है जब ऊपर जा रही है बंधन के साथ रिटार्डेशन के साथ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, टू वेव हुज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज 25:4 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का मेरे को क्या बताना है, रेशियो बताना है इसमें, ठीक है। देखो इधर क्या किया जाता है आप लोग का, जब भी इंटेंसिटी आप लोग गिवन है इसका ले लिया करो स्क्वायर रूट, तो ये 5 आ गया और ये आप लोग का 2 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट आ गया, अब देन आप लोग को फाइंड आउट करना हो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का, तो दोनों को एक बार प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, दोनों का कर दो अब स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आंसर क्या आ गया 49:9 के इक्वल, ठीक है। इट मींस जो मेरा आंसर होने वाला है वो सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल इज डबल, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल में जो करंट आप लोग का फ्लो कर रहा था वो दो गुना हो जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको दो गुना कर दिया जाता है। अब बताना मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर क्या होगा। जब हम लोग सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो सर्कुलर कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होता है वी इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में आप लोग का 2i ओवर आर के इक्वल, और इधर आप लोग का हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स एन के इक्वल, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड में आप लोग का हो गया 2r और इधर आप लोग का हो गया एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो देखो इधर आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट को डबल किया आप लोग का नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आप लोग का 4 times के इक्वल हो जाएगा, 4 गुना आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ओके, सिंपली आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आप लोग का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, डाइवेशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का आप लोग का डाइवेशन बताना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, सी आर के इक्वल आता है, सी हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं LT-1 के इक्वल आता है। अब इसको ऊपर लेके आओ तो ये आप लोग का नीचे आएगा, इट मींस क्या हो गया अंडर रूट में म्यू नॉट, इधर आप लोग का एप्सिलॉन इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का L-1 और T के इक्वल। ओके, अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का LT-2 और इधर आप लोग का T2 के इक्वल, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो सिंपली डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर दो एक बार सॉल्व। इफ अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 20 m/s² द एक्सेलरेशन जनरेटेड विल बी, तो हम लोग को जो नेट एक्सेलरेशन है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब देखो जब लिफ्ट जा रही है आप लोग ऊपर एक्सेलरेशन के साथ, ओके, तो मतलब जो नेट एक्सेलरेशन a' आएगा वो क्या आएगा, g+1 इक्वल आने वाला है मेरा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं w इक्वल टू क्या हो गया इधर हम लोग का mg+ma के इक्वल। ओके, और w किसके इक्वल आ गया आप लोग का, ma' इक्वल टू आप लोग का mg+ma के इक्वल, m से m काट दो, देन आप लोग का a' इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का g+a के इक्वल, ठीक है। g का वैल्यू क्या हो गया आप लोग का, सिंपली 10 के इक्वल, और आप लोग का a का वैल्यू किसके इक्वल दे रखा, 20 के इक्वल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30 m/s² के इक्वल, तो जो आप लोग का नेट एक्सेलरेशन होगा वो 30 m/s² हो जाएगा, ए ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, साथ के साथ कमेंट करते जाओ लाइव चैट में, आप लोग जो है कमेंट करते जाओ अपने आंसरों को, ठीक है, सो दैट आप लोग का
हौसला थोड़ा बढ़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग की बढ़ेगी, ठीक है। और अगर गलत होता है तो सिंपली आप लोग जो आंसर देख सकते हो, मैं एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का आप लोग को दे रहा हूँ। एंड आप लोग जो फाइनल स्कोर भी एक बार कमेंट करना लास्ट में, जब आप लोग का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो। अब क्या बोला गया है, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इधर हम लोग जो है किसी यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, देन आप लोग का वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, जीरो के इक्वल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप लोग का जो वर्क डन होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होने वाला है, कोई भी वर्क नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ओके। तो डी ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, टू बॉडी हैव द सेम मास एंड स्पीड, दो बॉडी है सेम मास दे रखा है, सेम स्पीड दे रखा है, देन मेरे को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है मेरा सही हो सकता है। अगर मेरे को मास समान दे रखा है, मेरे को स्पीड समान दे रखी है, इट मींस जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो भी मेरा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। पी क्या होगा मेरा, सेम रहेगा। अब सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर रेशियो की बात करते हैं दोनों की, तो P1 by P2 का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आने वाला है, आप लोग का 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, देन सिंपली मेरा डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया था, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 5 फैराड व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल बिकम 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो पोटेंशियल कितना हो गया, 1/8 वैल्यू हो गया ओरिजिनल के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कंडेंसर विल बी, तो कंडेंसर का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों से क्या किया गया भैया, पूछा गया है। तो अब मेरे को कंडेंसर का वैल्यू बताना है, सिंपली पहले मैं क्या करूंगा यार, पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, 1/8 टाइम्स हो गया, मतलब बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई एट के इक्वल, ओके। इट मींस क्या हो गया आप लोगों का, बी बाई एट के इक्वल। तो इधर से के का वैल्यू कंपेयर कर सकता हूं, तो के का वैल्यू मेरा आ गया 8, ओके। और आप लोगों को पता है जो कैपेसिटेंस है वो क्या करता है, भैया इंक्रीज करता है जब भी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के का, ठीक है, उसको अगर इंट्रोड्यूस कर दूं, देन मेरा जो आप लोग का कंडेंसर का कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या कर जाएगा भैया, इंक्रीज कर जाएगा, सी डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, के सी के इक्वल आ जाता है। तो के का वैल्यू आप लोग का 8 और सी का वैल्यू क्या दे रखा, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर क्या आ गया आप लोग का 40 फैराड के इक्वल, देन आप लोग का सिंपली जो है डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बार लाइक कर देना यार, मजे आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो नाइन्थ वाला क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ पैरेलल सर्किट ऑफ टू रेजिस्टेंस ए एंड बी ऑफ 2 ओम एंड 8 ओम रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द हीट जनरेट इन ए एंड बी, ए एंड बी में आप लोगों को हीट जनरेट का रेशियो बताना है। देखो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दे रखा है मेरे को पैरेलल सर्किट दे रखा है, पोटेंशियल समान रहेगा, पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है आप लोग का, ठीक है। विभव क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। अब अगर हम लोग हीट की बात करते हैं, हम लोग ऊष्मा की बात करते हैं, तो देखो एच इक्वल टू आप लोग आता है बी स्क्वायर टी बाय आर के इक्वल, इट मींस आप लोग का एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आप लोग का 1/r के इक्वल। इतना समझ आ गया। अगर हम लोग जो है सिंपली इधर क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं एच वन बाय एच टू का, तो किसके इक्वल आएगा आप लोग का, आर टू बाय आर वन के इक्वल। अब आर टू मेरे को क्या दे रखा है, 8 के इक्वल, आर वन मेरे को दे रखा है 2 के इक्वल, मेरा आंसर हो जाएगा 4:1 के इक्वल, ठीक है। सिंपली जो मेरा आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग, इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच एंड इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 2%, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय अ परसेंट ऑफ। देखो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एयरफोर्स में पूछा भी गया है, ठीक है। प्लस आप लोग का जो है ये नेवी में भी पूछा गया है, ओके। दोनों पेपर में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और कोस्ट गार्ड की हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि कोस्ट गार्ड आप लोग का पहले जो है ऑफलाइन होता था, अभी आप लोग का ऑनलाइन होने वाला है इस टाइम, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग जो है क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी आप लोगों को चेंज जो है 8% तक दिया जाए, ठीक है, चेंज कितना हो, केवल 8% तक हो, देन आप लोग सिंपली क्या करोगे, जो भी फॉर्मूला उसका पावर बाहर लेके आया करो और मल्टीप्लाई कर दिया करो जितने परसेंट का चेंज है। अगर हम लोग बात करते हैं जब रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, जब मेरे लेंथ को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया हो, ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, एन स्क्वायर आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर आप लोग का आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है एन स्क्वायर के इक्वल हो गया, ओके। अब मैंने क्या बोला था, 8% का चेंज है, तो इसको जो आप लोग का पावर है इसको इधर लेके आया करो, तो पावर इधर आ गया मेरा, तो 2 मल्टीप्लाई में एन, अब एन का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे को, 2% दे रखा है, तो सिंपली जो मेरा आंसर आने वाला है वो 4% आ जाएगा। अगर मैं लेंथ को 2% बढ़ा देता हूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 4% से इंक्रीज कर जाएगा, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, इसके लिए भी मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रैक देने वाला हूं, इसको याद रखना आप लोग को, रतन चार है, ठीक है। अब इसको आप लोग को क्यों याद रखना है रतन चार है, क्योंकि आर से मेरा बनता है आर, ठीक है, तन से बनता है आप लोग का टेन थीटा, ठीक है, और चार से बनता है मेरा फोर, और है से बनता मेरा एच, मतलब आर टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4h के इक्वल, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाता मैक्सिमम हाइट, ठीक है।
और ये आप लोग का हो जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, क्षैतिज परास। समझ आया कि नहीं? इतना समझ आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। देखो क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल रेंज को मेरे को 4 टाइम्स दे रखा है मैक्सिमम हाइट के, इट मींस आर इक्वल टू आप लोग का 4h के इक्वल दे रखा है। देन 4h tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, 4h के इक्वल, 4h से 4h कट गया, देन tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, 1 के इक्वल आ गया। इट मींस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, 45 डिग्री के इक्वल, जो एंगल बनेगा वो आप लोग का 45 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग। फॉर अ बॉडी ऑफ गिवन मास, एक बॉडी है जिसका मास आप लोगों को दे रखा है, ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द लीनियर मोमेंटम। अगर हम लोग बॉडी के मोमेंटम की बात करते हैं तो एम इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पी इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, एम बी के इक्वल। मास आप लोगों को गिवन है, मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भैया, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इतना समझ आया कि नहीं? ओके तो अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो अगर मैं जो है पी को 1 लूंगा तो बी 1 आएगा, पी को 2 लूंगा तो आप लोगों का बी 2 आएगा। इसका मतलब आप लोगों का मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, आप लोगों का मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो आप लोगों का वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो मेरा जो ग्राफ आने वाला है एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और आप लोगों को पता है कि ग्राफ अगर मेरा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब मेरा जो स्लोप होगा वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव स्लोप होने वाला है। आंसर क्या हो गया आप लोगों का, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर करो। If velocity of a moving body become double, ठीक है, एक बॉडी जो है मूव कर रही थी उसका velocity हम लोग ने 2 गुना कर दिया, और kinetic energy बताना कितना हो जाएगा। अब देखो k equal to क्या होता है आप लोगों का, 1/2 mv square के equal। अब एक बॉडी गिवन है तो उसका मास भी गिवन होगा, मतलब kinetic energy is directly proportional to velocity के square के equal, और velocity को अगर हम लोगों ने 2 गुना कर दिया तो k equal to क्या आ गया आप लोगों का, 2k square के equal, मतलब 4 times के equal आ जाएगा आप लोगों का। kinetic energy क्या होने वाला है आप लोगों का, 4 गुना होने वाला है, 4 गुना होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन इन सीरीज। पहले मैंने किसमें कनेक्ट किया आप लोग का, पैरेलल में, फिर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। अब दोनों केसेस में आप लोगों को क्या बताना है, रेशियो बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सीपी सी पैरेलल की, तो आप लोग का आंसर जो आएगा वो एनसी के इक्वल आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सीएस की, मतलब आप लोग का जो सीरीज में कैपेसिटेंस को लगाऊंगा, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो सी बाय एन के इक्वल आएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब मेरे को इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो CP by CS इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, NC, और डिवाइड में आप लोग आ गया C और N आप लोग का ऊपर पहुंच गया, C से C काट दो, आंसर क्या आ गया आप लोग का, N square ratio 1 के इक्वल। सिंपली जो है मेरा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैराड इफ इट्स रेडियस इज नियरली, ठीक है। ये भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो C इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। इट मींस इधर मेरे को अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो R इक्वल टू आप लोगों का C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 92 10 पावर 9 के इक्वल, ठीक है। एंड C का वैल्यू आप लोगों का 1 माइक्रो फैराड दे रखा है, 10 पावर माइनस 6 हो गया, क्या आ गया 9 10 पावर 9 मीटर के इक्वल, ठीक है, सॉरी 3 मीटर के इक्वल। आंसर क्या आ गया आप लोगों का, 9 किलोमीटर के इक्वल। देन सिंपली मेरा जो रेडियस होने वाला है वो 9 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। तो प्लेयर के हैंड पर जो आप लोग का फोर्स लगेगा वो मेरे को बताना है कितना होगा, ठीक है। अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का, सिंपली इधर आप लोग का डीपी बाई डीटी के इक्वल। ओके तो देखो इधर क्या हो गया आप लोग का, ये डी इधर आप लोग का हो जाएगा एम बी, और डिवाइड में क्या हो गया आप लोग का डी टी के इक्वल। इतना समझ आया कि नहीं? ओके अब देखो एम को ले लूंगा कॉमन, इधर आप लोग का डी बी बाई डी टी बचा, ठीक है। अब देखो मास कितना दे रखा है आप लोग 100 ग्राम के इक्वल, डिवाइड बाय 1000 करोगे क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना है। अब डी बी बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया आप लोग का, 2 डिवाइडेड बाय 0.1। अब पॉइंट हटाओगे तो 0 आप लोग का ऊपर आ गया, 1 0 1 0 2 0 2 0। आंसर क्या आ गया आप लोग का, 2 न्यूटन के इक्वल। देन मेरा जो फोर्स आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन के इक्वल। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, तो चालक में आप लोग को क्या बताना है, श्रांति काल बताना है। ओके अब भैया श्रांति काल की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर के इक्वल होता है, ठीक है। इसको मैं कैसे याद रखूंगा, अगर आप लोग भैया रेस्ट में हो, ठीक है, अगर आप लोग रेस्ट में हो, ठीक है, अब आप लोगों को क्या लगा भैया, आप लोगों में पड़ी मार, ठीक है। अब आप लोगों में मार पड़ी तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, भागोगे उधर से, ठीक है।
पहले भैया रिलैक्स बैठे हुए थे, अब जब आप लोगों ने मार पड़ी देन आप लोग भागने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। रिलैक्स से क्या आ गया, आप लोग भागने वाली कंडीशन में आ गए, तो इसका मतलब यही है इधर, ठीक है। जो टाओ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी। टाओ क्या आप लोग का रिलैक्सेशन टाइम है, जब आप लोग शांति काल आप लोग जो है रिलैक्स कर रहे थे, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही आप लोगों ने मार पड़ी तो आप लोगों का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या करेगा, कम कर जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम आप लोग का घटता है। आंसर क्या हो गया आप लोगों का, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए करो, व्हेन अ चार्ज ऑफ 5 इनटू 10 द पावर माइनस 6 कूलम एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 2.5 इनटू 10 द पावर 4 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को वैल्यू फाइंड आउट इधर करना है, ओके। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, एफ वाई क्यू के इक्वल, फोर्स कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 पावर 4 के इक्वल, ठीक है। एंड डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का क्यू, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 के इक्वल, ठीक है। इसको ले जाओ ये ऊपर, तो आप लोग का 2.5 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में 10 पावर 10 के इक्वल, इसको डिवाइड करो तो 0.5, ठीक है। एक पावर को इधर लेके आओ तो आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 10 पावर 9 किसके इक्वल, न्यूटन पर कूलम के इक्वल, ठीक है। अगर मैं देखो ये ऑप्शन मेरे को कहां दिख रहा है, बी वाले में दिखता है, केवल आप लोग जो है इस पावर को चेंज कर लेना, 10 पावर क्या आएगा आप लोग का सिंपली 9 होने वाला है इधर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोग का क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, इफ द अप्लाइड फोर्स इज डबल, अप्लाइड फोर्स को दोगुना कर दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर क्या आप लोग का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोग का, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं अप्लाइड फोर्स, मतलब एफ अप्लाइड डज नॉट डिपेंड ऑन आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं म्यू नॉट के इक्वल, समझ आ गया कि नहीं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर आप लोग का अप्लाइड फोर्स डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं अप्लाइड फोर्स को दो गुना चार गुना या फिर आधा जितना भी कर देता हूं, आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समान रहेगा, आप लोग का आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, विल रिमेन सेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, इफ द मोमेंटम आर सिमिलर फॉर अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी, ठीक है। एक आप लोग का हल्का निकाय दे रखा है, एक आप लोग को भारी निकाय दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दे रखा है आप लोगों को एक हल्का, एक आप लोगों को भारी ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब मेरे को पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट करेगी, ऑप्शन मेरे को बताना कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग सिंपली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो के इक्वल टू क्या आएगा इधर आप लोगों का, पी स्क्वायर बाय 2m। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि मेरे को मोमेंटम जो है सिमिलर दे रखा था, ठीक है। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आप लोगों का, मास के इक्वल हो गया। एक फॉर्मूला आप लोगों का होता है के इक्वल टू 1/2 mv² के इक्वल, बट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इधर आप लोगों का जो है वेलोसिटी की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मैं मास में रिलेशन नहीं निकाल सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले को ना यूज कर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था, ठीक है, तो आज आप लोगों को जो है ये पता चल चुका होगा। तो इससे मेरे को क्या पता चल गया, जिस मास का, ठीक है, आप लोगों का क्या मास ज्यादा होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिस बॉडी का आप लोगों का मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आंसर क्या हो गया मेरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी विल बी लेस, क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा, हैवी बॉडी है तो, ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, इन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू ऑफ अ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेजेस विल बी, ठीक है। तो देखो आप लोग का ये दे रखा है मेरे को क्यू, ठीक है। अब अगर हम लोग सेंटर की बात करते हैं, सेंटर पर आप लोग का क्यू चार्ज था, ठीक है। अब देखो इसके फेज कितने होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, एक पीछे 4, ये आप लोग का 5 और ये आप लोग का 6, टोटल फेज कितने हो गए आप लोग के, 6 हो गए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाइव इक्वल टू आप लोग का क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अगर हम लोग बात करें एक फेज से जो आप लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, तो सिंपली फाइव इक्वल टू क्या आ जाता है, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। देन मेरा जो आंसर होने वाला है वो सिंपली क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, तो इसमें से क्या आप लोग का मोर इलास्टिक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिंपली पूछा गया है। तो अगर हम लोग मोर इलास्टिक की बात करते हैं तो आप लोग का आंसर क्या होने वाला है, जो जितना ठोस होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होने वाला है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इलास्टिकनेस को समझ लो, जो इलास्टिक होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इलास्टिक ये नहीं होता है कि आप लोग का जो जितना मतलब कि पतला है, जो जितना हम लोग उसको खींच सकते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी वो होती है आप लोग की, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैं खींचता हूं और वो इनिशियल पोजीशन पे नहीं लौट पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं जो स्टील को खींचता हूं या फिर आप लोगों का रीशेप करता हूं, ठीक है, अगर उसको शेप दे देता हूं कुछ, ठीक है, तो वो जो है अपनी पुरानी वाली शेप में लौट के नहीं आ पाएगा। बट अगर हम लोग रबर की बात करते हैं तो वो आप लोगों का लौट के आ सकता है। देन आप लोगों का सिंपली जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड चीज क्या याद रख सकते हो, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो आप लोगों का मोर इलास्टिक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का स्टील का जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा बाकी तीनों से, इसलिए आप लोगों का स्टील जो है मोर इलास्टिक होने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करती है? देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है आप लोग का, इस पर मैंने फोर्स एफ लगाया है, ठीक है, इसका मोशन जो है इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, देन आप लोग का फ्रिक्शनल फोर्स जो है इधर वर्क करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाली है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, अनिश्चित डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट टू क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग। द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%। एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम 10% से हम लोग बढ़ा देते हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उसके काइनेटिक एनर्जी में आप लोग को परसेंटेज इंक्रीज बताना है, ठीक है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम पी1 की बात करें तो 100% था, अगर हम लोग P2 की बात करते हैं तो कितना आप लोग का 110 के इक्वल हो गया, ठीक है। देखो याद रखो इधर आप लोग के दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो क्या होता है आप लोग का अगर K इक्वल टू P स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है, ये आप लोग को फाइंड आउट करना है। देन आप लोग क्या करते हो, पहले P1 लिख लो और P2 लिख लो, ठीक है। P1 P2 लिखने के बाद अगर 0 एक्स्ट्रा है, जैसे कि इधर 0 एक है इधर 0, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, तो एक बार 0 को काट दो, ठीक है, इस P2 का स्क्वायर कर दो माइनस P1 कर दो, P1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब P2 का स्क्वायर करोगे मतलब 11 का स्क्वायर 121 और माइनस P1 का स्क्वायर मतलब कि आप लोग का 100। आंसर क्या आ गया आप लोग का 21% के इक्वल। सिंपली मेरा जो आंसर होने वाला है वो 21% होगा। अब ये बात हुई इस फॉर्मूले की, अगर आप लोगों को ये दे रखा है K इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला दे रखा है, ये गिवन है आप लोगों को, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन आप लोग क्या करोगे यार, P इक्वल टू इधर आप लोग 100 रखोगे, इधर आप लोग अंडर रूट में K2 बाई K1 और माइनस 1 कर दोगे, देन आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो इधर जो आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन में आप लोग का, यू आर गिवन 3 बल्ब ऑफ 80, 120 and 40 watt, which of them हैज लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें से किसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होने वाला है, ये आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की इधर बात कर रहे हैं, सिंपली क्या होगा आप लोगों का, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा पावर पर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ओके। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मेरे को बल्ब दे रखा है तो उस पर रेटिंग अगर आप लोगों ने देखी होगी क्या क्या होती है, एक तो पावर आप लोगों का होता है एंड सेकेंड आप लोग का जो B वैल्यू होता है, पोटेंशियल का वैल्यू होता है, वो आप लोगों का रेटेड या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो आप लोगों का चिपका हुआ होता है, लेवल्ड होता है, ठीक है। तो इट मीन्स इधर आप लोगों का B समान रहेगा, तो पावर क्या हो गया आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ओके। अब सिंपल सी बात है, जिसका क्या पावर ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ आया कि नहीं? अब देख लो भैया पावर किसका ज्यादा है आप लोग का, 120 वाले का पावर ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा आप लोग का, 120 वाले का कम होने वाला है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। समझ आ गया कि नहीं? चलो इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब ये चीजें अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब सुन लो, ठीक है, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा डिफेंस कंपटीशन के नाम से है, ठीक है, जो सेम चैनल है आप लोग का, इसी नाम से मेरा आप लोग का टेलीग्राम चैनल होने वाला है, ठीक है। तो इस नाम से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है। तो सिंपली आप लोग लिंक पे जाओगे तो उधर जाके मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सो डेट आप लोगों को क्लास का जो है नोटिफिकेशन डेली का डेली मिल जाए एंड क्लासेस की जो PDF है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है YouTube क्लासेस का टाइमिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो YouTube क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा 7 AM पर डेली आप लोगों का लाइव टेस्ट रहेगा, किसके लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। प्लस जो आप लोगों के एयरफोर्स और नेवी वाले हैं वो भी इस मॉक टेस्ट को कर सकते हैं, क्योंकि इधर मैंने जो है मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर आप लोग बोल सकते हो जो आप लोग न्यूमेरिकल से उसका परसेंटेज मैंने इधर इंक्रीज किया है। और नेवी और एयरफोर्स की बात करते हैं तो उधर आप लोग का 4-5 न्यूमेरिकल्स आते हैं ओनली, पर अगर हम लोग कोस्ट गार्ड की बात करते हैं इधर आप लोग का 10-12 न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। न्यूमेरिकल करोगे तो फॉर्मूला आप लोग को याद होंगे, और फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में आप लोग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का 9 AM पर हम लोग करेंगे, ठीक है, उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली 1000 MCQs का एक सीरीज चलाने वाले हैं, ठीक है। 1000 MCQs का सीरीज चलेगा आप लोग का, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग का 11 AM पर आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है NDK के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, देन हम लोग एयरफोर्स के PYQ क्वेश्चन करेंगे, और देन हम लोग जो है नेवी पर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का जो है सीरीज रहेगा PYQ का, ठीक है। और कोस्ट गार्ड आप लोगों का जो है ऑफलाइन होता था पहले, ठीक है, इसलिए हम लोग जो है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आप लोग के पहले आते थे, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले NDK करने वाले हैं, फिर एयरफोर्स, फिर हम लोग जो है नेवी के करेंगे, सो डेट हम लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम PYQ जो है कवर अप कर लें, ठीक है। एक भी क्लास को आप लोग मिस मत करना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। 1000 क्वेश्चन आप लोग के, 1000 क्वेश्चन बहुत मस्त होने वाले हैं। अच्छा स्कोर करोगे आप लोग अपने पेपर में अगर क्लासेस को मिस नहीं करते हो।
सेकंड क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा अच्छा है? जिससे कि मेरे को कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है, इस चैनल पर कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। ओके, ग्रो करने में आप लोग थोड़ा सा मदद करो इस चैनल को, ओके। और क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, सो डैट वो भी हेल्प ले सके, आप लोग भी हेल्प ले सको, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, क्लास अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो सिंपली क्लास को आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप लोगों के पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है तो डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आप लोगों को क्लास इतना अच्छा नहीं लगा है तो, ठीक है। एंड आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन भी है, उधर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। पहला कमेंट जो आप लोगों को अपना स्कोर करना है, एंड सेकेंड कमेंट आप लोगों का सजेशन, ठीक है। अगर कोई भी आप लोग का सजेशन है क्लासेस से रिलेटेड या और कुछ है, कोई भी आप लोगों को डाउट पूछना है, ठीक है, किसी भी से रिलेटेड भी डाउट है आप लोग का, एयरफोर्स नेवी या फिर कोस्ट गार्ड एनडीए, ठीक है, कोई भी पेपर वगैरह कोई भी डाउट हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हर कमेंट का आप लोगों का आंसर मिलेगा विद इन 24 आवर, ओके, मतलब 24 घंटे से पहले पहले आप लोगों का कमेंट मिल जाएगा, आप लोगों के कमेंट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।